अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिला बोन, जो कि फेशियल स्केलेटन की पेयर्ड बोन में से दो बोन्स आती हैं। और ये बोन्स मतलब जो फेस की बोन्स सारी आ रही होती हैं, तो उनमें दो बोन्स मैक्सिला होती हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट बोन ऑफ फेस है। इसकी एक बॉडी और चार प्रोसेस होते हैं, फ्रंटल, जाइगोमेटिक, एल्वियुलर और पैलेटाइन प्रोसेस। देखते हैं अब इसकी सारी बोनी फीचर्स वन बाय वन। ये सबसे ऊपर फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला नज़र आ रहा है, जिसे ये फ्रंटल बोन के साथ अटैच होती है। नीचे देखें इन्फ्रा ऑर्बिटल मार्जन नज़र आ रहा है, जो ऑर्बिट में आ रहा होता है, वो ऑर्बिटल सरफेस है। और ये इन्फ्रा ऑर्बिटल ग्रूव है। और ये जो सारी सरफेस नज़र आ रही है, एंटीरियर सरफेस है। और बोन जो है वो राइट बोन है। और येलो में इन्फ्रा ऑर्बिटल फोरामेन था, जाइगोमेटिक प्रोसेस है। और ये कैनाइन फोसा है, नेजल नॉच है पिंक में। और ये एंटीरियर नेजल स्पाइन है, क्योंकि राइट बोन है, ये राइट है, इसीलिए इंसिसिव बोन है साथ में। और एल्वियुलर रियॉक्स ऑफ मैक्सिला है साथ में, एल्वियुलर प्रोसेस है नीचे। तो ये तो एंटीरियर सरफेस से नज़र आते हैं। अब अगर इसको लेटरल की तरफ घुमा के जाएं तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी बोनी फीचर्स होती हैं। सबसे ऊपर देखें इन्फ्रा ऑर्बिटल मार्जन है और ऑर्बिटल सरफेस है, जहाँ पे ये ऑर्बिट बना रहे होते हैं। इन्फ्रा टेम्पोरल सरफेस ऑफ मैक्सिला है नीचे की तरफ, और एल्वियुलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है ऑरेंज में। और ये एल्वियुलर फोरामेन है साइड पीछे की तरफ, और मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी है ये ग्रीन नीचे कॉर्नर पर। और ये डेंटल एल्वियोलाई ऑफ मैक्सिला है नीचे, बिल्कुल एल्वियुलर रियॉक्स है उसके ऊपर थोड़ा सा। और ये इंसिसिव बोन है पिंक में, और नेजल नॉच है। अब अगर इनर सरफेस पर आए तो इनर सरफेस पर देखें मैक्सिलरी हाइटस है ऊपर, और नीचे नेजल सरफेस ऑफ मैक्सिला है जो नाक में होती है। ग्रेटर पैलेटाइन ग्रूव है, और ये मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी है साथ में ही। और ये एल्वियुलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है। नेजल सरफेस फिर से देखें, वो बिल्कुल नोज़ की बोन बना रही होती है। ये पैलेटाइन ग्रूव्स है, डेंटल एल्वियोलाई ऑफ मैक्सिला, नेजल क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और ऊपर इंसिसिव कैनाल जो कि इंसिसिव बोन में होती है। तो ये थी इसकी इंटरनल सरफेस की बोनी फीचर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।